सत श्री अकाल, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ सियासी हलचल लैके। जिमें कि तुसी जानदे हो कि पंजाब दी मौजूदा सरकार ते विरोधी पार्टियां विचाले वकार दा सवाल बन चुकी जलंधर पछमी जिमनी चोण आपने जित ली है। आप दे महिंदर भगत ने वड्डी लीड दे नाल चोण जीती है। आप दे वर्करां च खुशी दा माहौल है, महिंदर भगत दे घर जशन दा माहौल है। आम आदमी पार्टी के महिंदर भगत ने यह चोन जीती है। जेकर वोटां दे रुझान ते नजर मारीए तो बीजेपी के शीतल अंगुराल नू 17,921 वोटां पईआं, कांग्रेस के उम्मीदवार बीबी सुरिंदर कौर नू 16,757 वोटां पोल हुईआं, जदों की श्रोमणी अकाली दल की सुरजीत कौर नू 1,242 वोटां मिलीआं ने। नाल ही बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बिंदर लाखा नू सिर्फ 734 वोटां ही पईआं ने। आप दे महिंदर भगत 55,246 वोटां हासिल करके वड्डी जी लीड दे नाल जित हासिल कर चुके ने। महिंदर भगत 37,325 वोटां दे वड्डे फर्क दे नाल जीते। ते हुण जेकर गल करिए कि आखिर महिंदर भगत कौन ने, तां दस दिए कि महिंदर भगत 1998 तो 2001 अते फिर 2017 तो 2020 तक प्रदेश विच भाजपा दे उप प्रधान रहे ने। 2022 दीआं विधानसभा चोणां च महिंदर भगत भाजपा दे उम्मीदवार सन, उस समय उन्होंने हार का सामना करना पिया। इस तो बाद साल 2023 महिंदर भगत भाजपा छड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए सन। पछमी विधानसभा हल्के विच वड्डी गिनती विच भगत भाईचारे दे वोटर रहिंदे ने, ते इसे नूं मुख रखदे आप ने महिंदर भगत दे दाखे दे। महिंदर भगत के घर पहुंचे जलंधर सेंट्रल तो विधायक रमन अरोड़ा ने कहा कि शीतल अंगुराल ने पार्टी छड़ के बहुत वड्डी गलती की थी। लोकां ने आम आदमी पार्टी के हक विच फतवा दिता है। नाल ही शीतल अंगुराल दे वलों चुके गए सवाल अज खत्म हो गए। जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो सरकार दीआं नीतियां अच्छियां नीतियां नूं लोकी पसंद कर रहे हैं, इस गल नूं तो कोई शक नहीं शीतल ने गलती की है। क्योंकि जे कोई देखो हर परिवार च भी मन मुटाव माड़ा मोटा हुंदा है, जेकर उन्हें परिवार के बिठा के सुलझाया जाता तो अज जो एडा वड्डा फतवा मान सरकार नूं मिलिया वा, इस तो पता लगता मान साहब नूं आम आदमी पार्टी लोकी बहुत पसंद। अपने कारनामिया के कारण अक्सर चर्चा च रहने वाला नीटू शटर वाला जलंधर जिमनी चोन हारन तो बाद चिक्कड़ से लम्मा पै गया। आजाद उम्मीदवार के तौर पर जलंधर वैस्ट की जिमनी चोन विच खड़े नीटू नूं महज 236 वोटां ही हासिल हुई। इस दौरान वोटिंग केंद्र के बाहर पैसों वाला हार ते लाड़े वाली टोपी पाके पहुंचे नीटू एक बार फिर रो पिया ते उत्थे चिक्कड़ च ही लट गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया से खूब वायरल हुई है। इस दौरान नीटू वालों ये भी आख्या गया है कि वह हार कारना दी कोख कर। जे कोई मैंने 1 रुपए दिंदा उहदा 10 रुपए फायदा हुंदा वा, जे कोई 100 रुपए दिंदा उहदा 1000 रुपए फायदा हुंदा। लोक मेरी मदद कर रहे हैं, लोगों ने मैनूं जिताया वा, लोग जिता के छड्डणगे। सिर्फ पार्टियां कहिंदे धोखेबाजी माड़ी जी ना कर लैण, ये धोखा करनगियां। मैनूं पता है इन्होंने राजनीति बनानी है, ये राजनीति बना के मैंने फेल करना चाहते हैं, पर मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं पास होऊंगा। देखो मैं जित गया आनी तुम जित का आनंद दिखाऊंगा। तो काफी बड़ी लीड तो आगे जा रहे हैं, किवें देख दे हो? नहीं मैं बड़ी लीड जाना, मैं तो पिछे हो तुहाडे तो पिछे नहीं। हां जी पिछे किन्नी इंदा नूं पता है भाई, सारे पिछे है, मैं तो मैं जितया पिया हां। हाँ हूँ देखो ऐलान होना बाकी है भाई। महिंदर भगत मेरे पिछे है भाई, अगे नहीं जा सकता जी। अच्छा पर तुसी तां कहता मेरे भांडे वेख के मैं चोण लड़नी नहीं, तुसी भी बाकी लीडरां वांगू बोलते आप वालों जलंधर जिमनी चोणा जितन ते पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ दा बयान सामने। उन्हें कहा है कि लोकां दा फतवा सिर मथे है, उम्मीद है कि सीएम मान चोणा च कीते वादे जरूर पूरे करनगे। लोड़ है हुण सरकार सारे पंजाब विच विकास कार्य शुरू करे जो कि रुके हुए सन।
उधर महाराष्ट्र च पूजा खेडकर ते उसके परिवार से गंभीर दोष लगे ने। पूजा खेडकर एक आईएएस ऑफिसर है, पहला सिर्फ पूजा का ही नाम सामने आ रहा है पर हुण पूरा परिवार ही दोषी है। उसकी मां उसनू पिस्तौल नाल धमकाउंदी हुई नजर आ रही है। इस मामले च होर की खुलासा हो रही है जानने लिए सुनो। पुलिस ने महाराष्ट्र केडर की सिख्यार्थी आईएएस पूजा खेडकर की मां ते पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन्हें दिहाती दे पौंड पुलिस स्टेशन च दोषी मां पिता ते बॉडीगार्ड समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर उसके किसान नु धमकियां देने दे दोष लगे। इस मामले दी विच आईएएस पूजा खेडकर दी मां हाथ विच पिस्तौल लेके किसानां नु उन्हां दी जमीन हड़पन दी धमकी दे रही है ते वीडियो सोशल मीडिया ते भी वायरल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट तो अंतरिम जमानत मिल गई है पर उसकी गिरफ्तारी का मामला ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच को सौंप दिया। इस कारण केजरीवाल फिलहाल जेल तो बाहर नहीं आ सकेंगे। फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत च ने पर ईडी मामले में उसे जमानत मिल गई। अजिही स्थिति हुण वह फिलहाल जेल च ही रहेगा। बांसुरी सविराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि अरविंद केजरीवाल दोषी। खबरों संबंधित होर जानकारी लेके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लिए दियो इजाजत। धन्यवाद।